नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से किसी भी वीडियो को स्लो मोशन तथा फास्ट मोशन कर सकते हो। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब भी हम कोई एडिटिंग का वीडियो बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको हमें फास्ट मोशन करना है, ताकि लोग उससे कोई बोर ना हो जाए। और जब हम कोई भी वीडियो किसी को समझाने के लिए बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको हमें स्लो मोशन करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता लेता हूँ आप कैमटेसिया स्टूडियो के द्वारा किस प्रकार से स्लो मोशन तथा फास्ट मोशन अपने वीडियो पर ऐड कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको कैमटेसिया स्टूडियो ओपन करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने कैमटेसिया स्टूडियो में एक वीडियो ऐड कर लिया है। चलिए मैं आपको उसको स्लो मोशन तथा फास्ट मोशन करके बता लेता हूँ। सबसे पहले आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये अभी नॉर्मल मोड में है, इसलिए आपको एकदम सही से ये शो हो रहा है। यदि आप चाहते हो इसको आपको फास्ट मोशन करना है, तो आपको सबसे पहले इस वीडियो पर जो इसका ट्रिक है, आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे क्या क्लिक स्पीड, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो नॉर्मल स्पीड होती है उसको 100 के बराबर माना जाता है। यदि आप इसको फास्ट करना चाहते हो तो आपको इसके अंदर जितनी संख्या एंटर करनी है उतना आप कर सकते हो, पर इसके लिए आपको 100 से ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 400 कर लेता हूँ, और 400 करने के बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि ये वीडियो की साइज छोटी हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वीडियो की साइज एकदम छोटी हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको उसको प्ले करके बता लेता हूँ ये किस प्रकार से प्ले होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जो हमारा वीडियो है वो यहाँ पे फास्ट मोशन हो चुका है। यदि आप किसी वीडियो को स्लो मोशन करना चाहते हो तो वापस इस पर आपको राइट क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ, और फिर राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है क्लिप स्पीड, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लगभग 46 कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा स्लो हो जाए, और फिर मुझे ओके पे क्लिक करना है। तो चलिए अब मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये वीडियो की साइज यहाँ पे बड़ी हो चुकी है। चलिए मैं आपको यहाँ पे प्ले करके बता लेता हूँ ये किस प्रकार से प्ले होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमारा वीडियो है बिल्कुल धीरे धीरे प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने इसको स्लो मोशन किया हुआ है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी वीडियो पर स्लो मोशन तथा स्पीड मोशन ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।